धर्मनगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान रचने के बाद देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लोक मंगल की कामना की। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग की ओर से उत्तराखंड के चमोली जिले अंतर्गत तहसील जोशी मठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित ये पर्यटक आवास गृह 40 कमरों का होगा। करीब 11 करोड़ की लागत वाले इस पर्यटक आवास गृह में रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी ने कहा कि पवित्र धाम की सनातन आस्था का केंद्र है। देश विदेश से लाखों भक्त यहां आते हैं। उनकी सुविधा के लिए यूपी सरकार पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवा रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सहयोग से यूपी और उत्तराखंड के बीच वर्षों से लंबित अनेक विवादों का सुखद समाधान हो गया है। यूपी सरकार हरिद्वार कुंभ से पहले हरिद्वार में निर्माणाधीन भागीरथी अतिथि गृह श्रद्धालुओं को अर्पित कर देगी। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड में पर्यटन और श्रद्धा को सम्मान देने के लिए और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। इस विशेष अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उपस्थित रहे। बद्रीनाथ धाम में आवास गृह के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने नाथ पंथ के सिद्ध योगी सुंदरनाथ जी की तपोस्थली गुफा के जीर्णोद्धार के लिए उत्तराखंड सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अनेक सिद्ध संतों की तपोभूमि रही है। योगी राज सुंदरनाथ जी ऐसे ही सिद्ध योगी रहे हैं। बद्रीनाथ जी के मंदिर में जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के बगल उनका बड़ा सा चित्र भी लगा है। समीप ही उनकी साधना स्थली गुफा भी है। उत्तराखंड सरकार को इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड यात्रा पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन किया था। साथ ही उत्तराखंड राज्य के अपने समकक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उन्होंने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी सर्वाहाग्निदेवता आदित्य देवेन्द्रो देवता शांति वनस्पति शांति नमो नम ओम सर्वे आरोग्यम सुख संपदा प्रकाशाय दीप ज्योति हां बस लाना उसके बाद कार्यक्रम में आएंगे। सत्य ज्योति नमो हो गया। हां 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 है वो उद्घाटन और हो गया। ठीक है ओम शुभम भवति कल्याणम श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री संदेश, श्री शिवपाल सिंह जी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री वरुणा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से चिन्ह और शॉल भेंट कर चमोली एवं भाट बंधु अनुरोध करूंगा कि आप आए और माननीय डीएम चमोली श्रीमती स्वाति भदौरिया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मैं जिलाधिकारी चमोली से अनुरोध करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह सॉल भेंट जिंदाबाद बोल मंत्री विशाल की योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को आप हम सबको आशीष वचन दें। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत पर्यटन आवास गृह की शिलान्यास कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमतन कौशिक जी, लखनऊ से मेरे साथ यहां पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्राम जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत यहां के सभी अधिकारीगण, सभी यहां के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं परसों से उत्तराखंड में हूं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक समय रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था, उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहां पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग एक वर्ष से कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहां पर आपके बीच में
उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों को कल ही यहां पर रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड के दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को, श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पे यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस दिशा मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था। और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले तीन दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा आने लगा, ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम एक वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपनी तप से इसको पवित्र किया है। और योगिराज सुंदरनाथ जी की भी तपस्थली है। आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो शंकराचार्य जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा चित्र रखा हुआ है, योगिराज सुंदरनाथ जी का है। सुंदरनाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे, हमारे नाथ संप्रदाय से उनका संबंध था और ये मान्यता है कि यदा कदा वे अपना दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जनों को देते हैं। ऐसे पूज्य संत और योगी जो अपनी तपस्या से इस पूरे धाम को पवित्र करके श्रद्धालु जनों की आस्था को एक नई मजबूती देते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पर उनकी गुफा भी है और मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार उनकी गुफा की पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर कवर कर दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग या उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कोई भी करे, मुझे लगता है एक नया अनुभव होगा, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत की रचना और पुराणों की रचना इसी धाम में भगवान वेदव्यास ने, और उसके उपरांत भारत की संत परंपरा ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया था। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के साथ साथ देश के श्रद्धालु जनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहां से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहां पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ।
और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नई एक नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड विकास का एक नया मॉडल बनेगा। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय पटेल साहब। मैं निवेदन करूंगा कि घोषणा करना होगा धन्यवाद करना चाहता स्टेटमेंट मुझे इन्होंने पहले बुला दिया, तो मैं बहुत आदरणीय बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उत्तराखंड में आए और आपने दो तीन दिन हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अपना सहयोग दिया, उसके लिए आभारी हूँ। साथ ही आप जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से बहुत बड़ी हुई है और हमारे देश देश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं काफी दिक्कत होती है, एक स्नो कटर जिससे लगा एक करोड़ रुपए की लागत आएगी उनको संबंधित दो दिनों की घोषणा कर रहे हैं ताकि हमारे जो अतिथि होता देश भर से आते हैं उनके कोई तकलीफ में हो तो आसानी से अपना रास्ता जनता तक पहुँचा सके। एक हमारे यहाँ गढ़वाड़ी में बोलते ही भटोली जब कोई अपने तो उसमें हम लोग अपना लोकल उत्पाद देते हैं, जो भी देना चाहूंगा